अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो यार दोस्तों, अभी जो है ना, मैं अपने चिक्स को भाई ये पानी रख रहा था, ये ना इसमें आज जो मैं मेडिसिन इनको यूज़ कर रहा हूँ, ये भाई मेडिसिन है। सॉरी, पानी ना थोड़ा गिर गया, हमारा जो गेट है ना यार बड़ा गलत लगवाया हमने थोड़ा। तो भाई इनको अभी जो मैंने पानी रखा है ना, ये मैंने रखा है पॉक्स का, क्योंकि इनको यार आपको पता मच्छर हो ना बहुत ज़्यादा ना, इनको काट काट के यार जो है बुरा हाल किया हुआ था। तो भाई इनको मैं पॉक्स की दवाई दे रहा हूँ अभी फ़िलहाल ना। और यहाँ पर मैंने यार ये जो हमारा ये वाला चिक्स था ना, ये वहाँ से मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, क्योंकि यार वो मुर्गी बेचारी एक चिक्स के साथ, वो अकेली मुर्गी छोड़ी हुई थी हमने, और वहाँ पे उस मुर्गी के साथ मैंने सुल्तान को छोड़ दिया। अभी वो आपको भी चल के दिखाऊंगा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हमारी ये वाली चिक्स ना काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो गए पहले से ना, बस ये थोड़ा बहुत मार रहे हैं इसको, लेकिन इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे, ठीक है ना। माशाल्लाह सारे एक्टिव हैं। और दोस्तों, आपको पीछे से कुछ आवाज़ आ रही होगी, तो इंशाल्लाह अभी उससे भी मिलवाएंगे। वो नया मेहमान हमारे घर सेटअप पर कौन आया है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको मिलाएंगे उससे। और बहुत ही प्यारी भाई टॉकिंग करता है, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी पीछे से, तो इंशाल्लाह भी आपको आवाज़ और इसकी बहुत सारी जो है आवाज़ें अभी सुनाई देंगी। बहुत सारी चीज़ें ये बोलता है, बिल्ली की आवाज़ भी निकालता है और अल्लाह बोलता है, काफ़ी सारी चीज़ें ये बोलता है। तो इंशाल्लाह इससे मिलवाएंगे। पहले हम अपने चिक्स को देख लेते हैं भाई। अभी आए, मैंने इनको पानी वानी हटाया हुआ था दोपहर से ना, तो मैंने अभी इनका पानी रखा, क्योंकि यार इनको जो ना मच्छरों ने ना इनका बुरा हाल कर दिया था काट काट के। तो जब भी मैंने इनको यहाँ पे शिफ्ट किया था, ये कि आहिस्ते आहिस्ते रिकवर हो रहे थे, तो फिर मैं दूसरी दवाइयाँ भी देता बीच बीच में। तो अब मैंने सोचा यार इनको ना मच्छरों वाली जो ये पॉक्स की जो इनकी दवाई आती ना, ये पहले रेगुलर इनको देंगे, ताकि इससे जो है इंशाल्लाह सेट हो जाए, फिर जो रिकवर हो जाएंगे। माशाल्लाह ये वाला चिक्स तो बहुत अच्छा जो है ग्रोथ कर रहा है माशाल्लाह, और इसने अच्छी ना मतलब सेहत भी इसकी बहुत अच्छी हो गई है। एक वो वाला भी अच्छा हो गया, मतलब ये एक दो तीन चार, चार चूजे तो अच्छे हो गए, दो ना थोड़े डाउन है। सबसे ज़्यादा डाउन ये वाला है, क्योंकि इसके ना मुंह के अंदर भी भाई जो है वो जो इनके दाने वगैरह होते ना, वो मुँह के अंदर हो गए, ज़बान तक तो हुए हैं। तो जब भी मैंने दोबारा से इनको देना शुरू किया, ताकि यार ये खाना पीना ना माशाल्लाह और अच्छा कर लें, क्योंकि बाकी तो सब खा रहे हैं सही, ये भी खा रहे हैं मगर थोड़ा कम खा रहे हैं, लेकिन पानी बहुत पी रहा है ये। तो इंशाल्लाह ये भी भाई बहुत जल्दी सेट हो जाएगा और काफ़ी रिकवर हो गए। हमने यार बहुत इन पर मेहनत करी, मैंने जब भी फ़ौरन से केज बनवाया था, क्योंकि उस केज में यार मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे थे वहाँ पर। और जब भी मैंने ये जो मच्छरों के लिए ना ये जो एक फार्मूला यूट्यूब से देख के यहाँ पर लगाया था, अब माशाल्लाह मच्छर भी नहीं है और ये चिक्स भी हमारे बहुत अच्छे रिकवर हो चुके हैं। और दोस्तों चलें अपने सर अपने आप को मिट्टू से मिला दूं। तो भाई ये हमारा जो है मेल है, और हमारी फीमेल तो आपको पता है, उसको तो आप पहले आपने देखा ही होगा हमें हमारे व्लॉग्स में। तो भाई इसको हमने अपने नीचे रखा हुआ था, अब जो है हमारे पास ये जो है मेल भी आ गया, और माशाल्लाह बहुत अच्छी ये टॉकिंग करता है, तो आप इसकी आवाज़ सुन रहे होंगे। मिट्टू मियाऊ, दोस्तों ये अभी मियाऊ की भी आवाज़ निकालेगा, बहुत अच्छी आवाज़ निकालता है ये। और भाई दोस्तों ये जो है ना डांसिंग भी करता है मुझे, मगर ये ऐसे डांस नहीं करेगा, मुझे ना वीडियो मोबाइल में लगानी पड़ेगी, और मैं मोबाइल में जैसी वीडियो लगाऊंगा ना, तो फिर ये डांस करेगा। मैं आपको ना अभी दिखाता हूँ, जरा मोबाइल में एक वीडियो लगाता हूँ फिर। और माशाल्लाह इसकी टॉकिंग देखें, मिठू मिठू अल्लाह अल्लाह, तो दोस्तों आप थोड़ा बहुत इसका डांस देख रहे होंगे, माशाल्लाह ये डांस भी कर रहा है, तो इसी तरह भाई ये डांस करता है। मैं थोड़ा और इसको ना मस्ती में लगाता हूँ। मिठू बेटे Thank you.
अच्छा भाई दोस्त, हमारी जो फीमेल है ना वो थोड़ा भाई डरती है, तो अभी इससे थोड़ा दूर है, तो इसी वजह से हमने भाई इसको ना ऊपर सेटअप पे रखा। मैं सोच रहा हूँ इनको ना भाई यहीं ऊपर सेटअप पे रख दें, ताकि अगर ये पेयरिंग करनी होगी तो पेयरिंग कर लेंगे, क्योंकि अगर हम इसको नीचे रखेंगे ना तो फिर ये पेयरिंग नहीं करेंगे। अभी फिलहाल इनको ऊपर रखते हैं, फिर देखते हैं इनके लिए क्या करना है। अगर कोई ब्रीडिंग बॉक्स वगैरह लगाना होगा तो फिर हमें भाई केज ना इस तरह का बड़ा केज लाना पड़ेगा जिसमें ब्रीडिंग बॉक्स लग जाए, और फिर हम इसकी जो है पेयर को छोड़ दें, फिर ये इसमें आराम से जो ब्रीडिंग करेंगे। अभी तो फिलहाल आपको पता है इस केज में तो ब्रीडिंग कर नहीं सकते, तो इसी वजह से अभी फिलहाल रखा है कि थोड़ा ये बॉन्डिंग इनकी अच्छी हो जाए जो है ना पेयर की, फिर इंशाल्लाह इनको भाई एक ब्रीडिंग बॉक्स भी देंगे, इनको नया केज भी देंगे। और हुआ तो भाई इससे ना हमारे मेल से हमारी फीमेल्स भी बोलना सीख जाएगी, और अगर इस मेल के साथ हम कोई दूसरा जो है पैरेट भी ला के रखेंगे ना तो इंशाल्लाह वो भी बोलना सीखेगा, क्योंकि बहुत अच्छी टॉकिंग करता ही है। तो अभी चल के ना मैं ज़रा दुम्बो को पानी वानी पिला दूँ, फिर जो दोबारा जो है इससे मिलते हैं। तो भाई दोस्तों यहाँ पे अभी दुम्बो को पानी भी रख दिया है, ये प्यासे हो रहे हैं माशाल्लाह, अब पानी पियेंगे भाई खूब ना। और अब भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दुम्बे माशाल्लाह दाना भी अच्छा खा रहे हैं, पानी भी माशाल्लाह अच्छी पी रहे हैं, क्योंकि भाई इनको ना हम प्रॉपर डाइट अच्छी दे रहे हैं, हर तरह से भाई केयर कर रहे हैं इनकी, जब भी भाई ये ना इस पोजिशन में आए माशाल्लाह, और भाई जो है माशाल्लाह पानी वानी अच्छा पी रहे हैं। अच्छा दोस्तों, मैंने ना अपने दुम्बों का भाई वेट भी कराया था, तो माशाल्लाह हमारा जो ये दुम्बा है ना 46 kg पर आया माशाल्लाह माशाल्लाह, और हमारा जो बड़ा है मोटू है और माशाल्लाह ये भाई 54 kg पे आया है। तो इंशाल्लाह इनको भाई और अच्छी डाइट देंगे ताकि ये अच्छा ना वेट गेन करें। तो अब ज़रा इसको भी रख देते हैं, पानी पिएगा तो, वैसे ही मुझे नहीं लग रहा इस टाइम पे पिएगा, ये जब दाना वाना खा लेता है ना। अच्छा मोटू जो है ना वो सिर्फ दाना खाने के बाद ही पानी पीता है, वैसे बहुत कम पानी पीता है, हो सकता है पी ले। हाँ भाई प्यास लग रही थी तो पी रहा है, पहले तो यार ये पानी ही नहीं पीता था, पूरा पूरा दिन हो जाता था, दो दो दिन हो जाते थे, दो दो दिन बाद पानी पीता था। अब माशाल्लाह भाई ये कि डेली भाई मतलब सुबह शाम दाना वाना खाने के बाद पानी पीता, दोपहर में पीता है, थोड़ी गर्मियाँ भी आ गई, हो सकता सर्दी की वजह से ना पी रहा हूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो है अब दाना पानी के बाद, वो दाना मतलब खाने के बाद पानी वगैरह माशाल्लाह पीता है सही। तो अब इसने भी पी लिया, तो अब ज़रा मैं पानी वानी हटाऊँ, फिर जो है ना अपनी मुर्गियों को भाई लुसन देते हैं, क्योंकि मैंने सबकी फीड हटाई भी है, लैला भी बाहर आई हुई है, तो मैं फटाफट लुसन काट लेता हूँ ताकि भाई लैला भी हमारे जो है लुसन खा ले, वरना ये भाई अंदर चली जाएगी फ़ौरन से। तो फटाफट ज़रा मैं जाता हूँ और जो लुसन काट के अपनी लैला को भी देता हूँ। तो भाई दोस्तों अभी हम लुसन काटने जा रहे थे, तो भाई गोरेज भी आ गया हमारे पास ना, और गोरेज भाई मिट्टू से बड़ा खुश होता है। गोरेज मिट्टू, गोरे मिट्टू, गोरेज का मिट्टू आ गया, गोरे मिट्टू बोल रहा है, पकड़ लो मिट्टू को। तो भाई दोस्तों गोरेज माशाल्लाह मिट्टू से बड़ा खुश होता है, गोरेज पकड़ो मिट्टू को, पकड़ो गोरे को, देखो मिट्टू ना डांस कर रहा है, पकड़ लो गोरेज, पकड़ ले, पकड़ ले क्या बोल रहा है भाई। हमारा जो मिट्टू है ना वो भी माशाल्लाह डांस वांस कर रहा है, देख सकते हैं। और जोरेज ना अभी असल में केज के अंदर बने, इसको मैं खोलूंगा ना तो जोरेज भाई बड़ा खुश होता है माशाल्लाह हमारे मिट्टू से। जोरे मिट्टू को पकड़ो, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ो जोरेज भाई सारी मुर्गियों को भी देख रहा है, तो जोरेज ना अभी ऊपर आया। और भाई वो देखे हमारी मुर्गी का पाँव दबा दिया था, और ये देखे लैला को, हमारे चूजे को मार रही है, हटो, वो भी बेचारा कहाँ कोने में घुस के निकलो, यहाँ से कोने में पता नहीं फंस गया किस तरह, वो लैला बेचारी इस चूजे को मार रही है। और माशाल्लाह ये चूजा ना भाई काफी भाई इन लोग के साथ जो है एडजस्ट हो गया है, थोड़ा बहुत मतलब मारा नहीं, तंग कर रहे थे शुरू में जब मैंने डाला था ना, अब माशाल्लाह इन लोग के साथ घुल मिल गया है, और सही है यार, इसको मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, अब यहाँ माशाल्लाह सेट रहेगा। बेचारा एक ही तो चूजा बचा ये वाला हमारा, इसकी मतलब इस बैच के जितने भी चूजे थे ना वो सारे हमारे मर गए। और लैला यार शायद अंदर जाना चाहती है, अब मैं फटाफट यार गोरेज को नीचे छोड़ूं, फिर जो लहसुन काटता हूँ और लहसुन देता हूँ सारी मुर्गियों को। मैं लहसुन काटने जा रहा था, भाई गोरेज भाई हमारे पास आ गए थे, हैं भाई गोरेज क्या करने आए थे आप, हैं मुँह में से उंगली तो निकालो, वो देखो मिट्टू क्या बोल रहा है। तो दोस्तों देख रहे हैं माशाल्लाह मिट्टू जैसे बोल रहा है, हाँ क्या बोल रहे गोरेज मिट्टू, बड़ा ही खुश हो रहा है ऊपर आके, नीचे तो बोल ही रहा था मगर माशाल्लाह ऊपर आके ना बहुत ज्यादा खुश हो गया हमारा मिट्टू भी,
यार इसको ना खुला एनवायरनमेंट मिल गया, और यहाँ पे बाकी भी तोते वगैरह हैं, वो सूरज भी खुश हो रहा है। हाँ क्या हुआ मिट्टू, कहाँ है आपका? पकड़ लो मिट्टू का, आवाज दो मिट्टू आ जाओ, सूरज को काट लो, आ जाओ मिट्टू आ जाओ, आ जाओ सूरज को काट ले, कट्टी कराओ सूरज को, हैं करा तू कट्टी? नहीं फिर क्या, कट्टी कराता हूँ, चलो सूरज को, सूरज आओ और मिट्टू से कट्टी कराता, मिट्टू काट ले सूरज को, काट ले मिट्टू आ जा। भाई जोरेज ने अभी मुर्गियों को भी देखने में लगा हुआ है, और सारे ना मिट्टू को भी देखने में लगा हुआ है, और हमारे रैबिट्स को देखें दोस्तों, भाई खूब ना ये मिट्टी के अंदर जो है गड्ढा कर करके किस तरह सो रहे होते हैं, देखे सारे मस्त होके सो रहे हैं भाई, खूब ये ना इंजॉय करते हैं, गर्मी होती है ना ये मिट्टी में, भाई खूब इंजॉय कर रहे होते हैं लेट के ना, मैं इनको देखो सो भी इस तरह रहे होते हैं फुल मस्त होके ना, और जोरेज भाई खूब ही ना शोर कर रहे हैं यहाँ पर, जोरेज को बड़ा मजा आ रहा है भाई सेटअप पे ना, माशाल्लाह जोरेज खुश हो जाता है सेटअप पर आकर ना, और ये अभी जोरेज अभी सो के ही उठा था, तो जोरेज भाई आ गया। हाँ जोरेज मिट्टू को दूं आपको, आपके हाथ पे बिठाऊं? अच्छा असल में हमारा मिट्टू माशाल्लाह हाथ वाथ पे आता है, बस जो थोड़ा डरता है तो जोरेज को नहीं देते, अभी मैं आपको हाथ पे लेके भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह, अभी खोलेंगे पर मैं जोरेज को फटाफट नीचे छोड़ के आऊँ और फिर जो है आपको आपसे मिलता हूँ। तो भाई दोस्तों माशाल्लाह भाई हमारा भाई ग्रीन पैरेट भी ना माशाल्लाह लुसन भाई बड़े शौक से खा रहा है, अच्छा आपने फर्स्ट टाइम ही डाला है इनको लुसन, तो के नीचे ही होता है लुसन, नीचे लेके जाता नहीं मैं, यहीं डाल देता हूँ इनको, माशाल्लाह देख सकते हैं लुसन खा रहे हैं, और वहाँ अपने जो है लुटिनों को भी डाल दिया। अच्छा उसकी जो फीमेल है वो भाई अंडों पर बैठी हुई है, वो बाहर आने दी, हो सकता है हमारा जो मेल है वो खुद ही उसको जाके खिला दे, अभी तो फिलहाल वो अंडों भी माशाल्लाह अच्छी जो है केयर कर रही है, वो अच्छी ना मतलब इनक्यूबेट कर रही है अपने सारे अंडों को, और बस दोस्तों हमारे जो तीन के तीन अंडे ना माशाल्लाह भाई प्रॉपर जो है फर्टाइल हों और हैच हो जाए प्रॉपर ना अच्छी तरह, और भाई वहाँ हमने सुल्तान को छोड़ दिया, और सुल्तान ने जो भाई सारी मुर्गी को परेशान किया हुआ ना, अब कुछ दिन यार वो परेशान करेगा आपको पता है, क्योंकि नया नया काफ़ी टाइम बाद उसको छोड़ा है, तो ऐसे ही परेशान करेगा, आहिस्ता आहिस्ता ही सेट होगी मुर्गी वो दोबारा से, पहले तो माशाल्लाह सेट थी मगर अब ये दोबारा से, क्योंकि सुल्तान ना यहाँ पर जो है इस जाल में था, अब वो परेशान कर रहा था इस जाल को ना, पलट के बाहर निकल जाता था, मुर्गियों को तंग करता था, कभी लैला को तंग करता था, इस चक्कर में हमने उसको वहाँ छोड़ा था और लोमन ब्राउन को यहाँ छोड़ दिया था, मगर लोमन ब्राउन क्या कर रही थी वो लैला के केज में जाके अंडे दे रही थी, तो इस चक्कर में भाई हमने वो लोमन ब्राउन को भाई वापस केज में बंद किया, और सुल्तान को मैंने ना वहाँ शिफ्ट कर दिया, और वहाँ से चिक्स को यहाँ कर दिया, क्योंकि यार अभी केजेस की ना सेटिंग हमारे पास बन नहीं रही, क्योंकि केजेस थोड़े कम हैं, और मुझे केजेस ना अभी बनाने इंशाल्लाह जो है बड़े केजेस बनाऊंगा, जिसे इस तरह है ना मगर लकड़ी के बनाऊंगा, ताकि यार जो थोड़े उठाने में जो है आगे पीछे करने में आसानी हो, क्योंकि ये केजेस हैं लोहे के और ये बहुत भारी हैं यार, ये हिलते भी नहीं और महंगे भी बनते हैं, तो लकड़ी के होंगे थोड़े सस्ते भी बन जाएंगे, और सुकून से आगे पीछे जहाँ भी करना होगा वहाँ कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी तो यार अब इनको जैसे जैसे मैनेज हो रहा भी कर रहे हैं, क्योंकि ये वाली चिक्स भी आपको पता है सारे खुले हैं, और माशाल्लाह वो भी अब अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, तो वो भी आपको पता है। अच्छा ये वाली चिक्स तो अब मैं बेचने वाला नहीं हूँ यार, मैं तो सोच रहा है इनको ना रखे रहने दो, जब इतने बड़े कर लें तो इंशाल्लाह इनको रखेंगे, उन चिक्स का करेंगे, अगर सेल वेल करना होगा तो इंशाल्लाह उनको कर देंगे, लोमन ब्राउन का तो पड़े रहेगा यार, हमारे पास अंडे वंडे देगा बड़ा होके, मतलब मुर्गी अंडे देगी तो इंशाल्लाह उसके अंडे वगैरह खाने में काम आ जाएंगे, ये बाकी हमारे पास दो लोमन ब्राउन भी, मगर यार वो जो है इसको ना मारती हैं, हालाँकि उसकी अम्मा है, उन दोनों में से कोई एक वो जो अम्मा है और दूसरी खाला है, तो भाई दोनों मारती हैं इसको ना, तो इसी वजह से यहाँ छोड़ा हुआ। अच्छा दोस्तों यार आज तो मैं दाना डालना भूल गया, और चिड़िया जो आके बैठ रही है इनको दाना भी डाल देता हूँ, मैं फटाफट दाना लेकर आता हूँ और इनको ना दाना डालता हूँ। अच्छा भाई चिड़िया भाई इंतज़ार में बैठी हुई दाने के, पानी वानी तो भाई वो यहाँ से आके पी जाती हैं, मगर दाना ना वो थोड़ा खा लेती हैं यहाँ से, मगर वहाँ से प्रॉपर खाती है, तो मैं वहाँ डाल देता हूँ, और ये अभी आएंगी और ना यहाँ से आके आपको पता खा लेंगी, अभी मैं ज़रा इनको डाल दूँ सबको जो है दाना, थोड़ा थोड़ा कुछ कबूतर भी आ जाते हैं, और बाकी कबूतर तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ बैठते हैं, तो भाई वहाँ से वो उनको यहीं से गिरा हुआ थोड़ा मिल जाता होगा, तो भाई वो खा लेते होंगे, बाकी कबूतर यहाँ बैठते हैं, अभी बैठे भी नहीं, वो देखें दो कबूतर वहाँ बैठे हुए, और काफ़ी सारे बैठते हैं यार यहाँ पर ना कबूतर इस दीवार पे हमारी जो है, और यहाँ पर भी ना, तो अभी तो गए में पता नहीं आगे पीछे गए में होंगे, कबूतरों को खाना होगा तो कबूतर भी खा लेंगे, बाकी यहाँ पर ना भाई गुलेरियाँ भी आती हैं, गुलेरियों के भी मतलब मज़े आ जाते हैं, वो भी अब माशाल्लाह उनको अच्छी प्रॉपर डाइट मिल जाती है, वरना पहले वो खाती थी हमारे जो लुटिनो है ना उनका दाना खाती थी। अच्छा हमारी भाई फीमेल भी आ गई बाहर खाने, और माशाल्लाह वो बड़े शौक से खाएगी आपको पता जो है ना, और लुसन उसन है ताकि अच्छी सी डाइट रहे, वो इनकी वेट भी अच्छी करे अंडों को ना,
बाकी तो भाई यहाँ पर अभी इनको मैं फीड नहीं डालूंगा, लसन वगैरह ही खाएंगे ये, और बाकी ये एक्टिविटी करेंगे ताकि यार ये मछली वगैरह में एक्टिविटी करें। इस वजह से ना इनको भाई जो है फीड ना थोड़ी कम देने लगे, इससे ये कि इनका ना जो है वो जो है इनकी डाइट भी अच्छी रहेगी और ना दाने को हजम भी अच्छा करेंगे। अगर 24 घंटे इनके पास फीड यार पड़ी रहेगी ना यार, ये ना इनकी ना जो है डाइट भी अच्छी नहीं रहेगी और फिर ये बीमारी मार रहेंगी और ज़्यादा खाने पर आपको पता है। इस चक्कर में मैंने इनकी थोड़ी डाइट सेट करी है। अच्छा दोस्तों, वो जो हमारे बजरी थे ना, मैं आपको बता दूं भाई, माशाल्लाह बजरी की दोनों जो फीमेल है, एक फीमेल के तो एग्स मैंने देख लिए कि भाई दिए मैं, दूसरी फीमेल भी ना भाई जो है हंडिया में जा रही है और इंशाल्लाह भाई वो भी मुझे लग रहा है उसने अंडे दिए हैं इंशाल्लाह। तो मुझे चेक करना पड़ेगा क्योंकि मैं उसको देख रहा हूँ हंडिया में बैठी हुई थी, मतलब भाई हमारा एक ही मेल जो है दोनों फीमेल के साथ सेट हुआ हुआ है, तो इंशाल्लाह वो अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ। ठीक है तो भाई दोस्तों, अभी जो है कल मैंने भिगो दिए दुम्बो के लिए ना, बाकी तो माशाल्लाह सारे बर्ड्स को दाना पानी कर दिया है, और एक बार हम चल के ना आपको ज़रा अपने पैरेट से भी मिलवा देते हैं दोबारा से ना। माशाल्लाह फुल मस्ती में हमारा जो पैरेट ना ऊपर आने के बाद ना, तो मैं भी चल के आपको मिलवाता हूँ दोबारा से। बैठो बैठो, माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों देख सकते हैं किस तरह डांस कर रही है। तो दोस्तों अभी जो है बिल्ली की आवाज़ निकाल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, वरना माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ निकालता है। अल्लाह हु भी बोलता है, अल्लाह हु मिठू, अल्लाह हु। अभी बस चीखने में लगा और डांस करने में लगा, पता नहीं इसको क्या नज़र आ रहा है भाई। दोस्तों माशाल्लाह देख सकते हैं, अच्छा मैं इसको अभी हाथ में भी निकालता, मैंने केज भी इसका थोड़ा ना पलट के लगाया था कि गेट खुले ना, इंशाल्लाह कल जो है आपको इसको भाई हाथ वाथ में लेके भी दिखाएंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी ना जो है टॉकिंग करता हाथ में आने के बाद। यार दोस्तों व्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मिलते हैं इंशाल्लाह ऐसे किसी नई वीडियो के साथ। अभी तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।